हेलो गाइस, आज मैं फिर खा रही हूँ पाव रोटी और चाय, जिसमें पाव रोटी ने पूरा चाय सूख लिया है। हेलो गाइस, मेरे यहाँ बना है ये चीज़ और इसलिए मैं ये वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए इस तरीके से। और इसका नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन होगा शायद पिड़िकिया कहते हैं इसे। आप इसे खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसमें सूजी और खोआ भरा हुआ है और चीनी, इसका टेस्ट काफ़ी बहुत अच्छा है। आप भी इसे अपने घर पे बनवाइए, खाइए। मैंने तो इसका गूगल पे फोटो देखा और काफ़ी अच्छा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरी मम्मी ने मुझे मेरे लिए खास तौर पे इसे बनाया, लेकिन मैं इसका नाम ही नहीं जानती। पिड़िकिया, हाँ पिड़िकिया नाम है इसका। एक स्पेशल खोआ वाला बना था और सूजी वाला, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसे अपने घर पे बनवा कर खा सकते हैं, टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नाश्ते के तौर पे खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ आपकी प्यारी आसी। ये तो नाम आपको मेरा पता ही है कि मेरा नाम है आसी। आज मैं अपने टूथब्रश के बारे में आपको बताने वाली हूँ। मुझे ओरल भी पसंद है, तो मैंने अपने लिए ओरल भी मंगाया। मेरी मम्मी को पसंद है सेंसोडाइन, तो मम्मी ने सेंसोडाइन मंगाया है। और ये काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रशेस हैं, तो आप भी इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे दांतों की अच्छे से गंदगी को निकालते हैं, जो भी हमारे दांतों में फंसे रहते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल को भी बजा दीजिएगा। कि उस छोटी बेल को बजाओगे ना, आपको मेरी छोटे छोटे वीडियो, बड़े बड़े वीडियो सभी मिलेंगे। मेरी मम्मी का है, सॉरी मम्मी का है, और काफ़ी अच्छा है ये, ज़्यादा सुंदर है नहीं। कि मुझे ओरल भी पसंद है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया। और उस पर मुझे मिलता है ये ऊपर इसका ढक्कन, जो कि काफ़ी अच्छा है कैप। और आप ये सबका यूज़ कर सकते हैं, इसका रेंज कुछ ज़्यादा नहीं। बहुत लोगों ने कमेंट्स करके कहा कि मैं बहुत तरह की वीडियोस बनाती हूँ, जैसे कि सब सारी तरह के वीडियोस बनाती हूँ, मतलब कि इसका रेंज ऊपर दिया है। 20 रुपीज़ का है ये, ज़्यादा महंगा नहीं है। और इसका रुपीज है 50 रुपये। आपको दिख रहा है MRP? उन्होंने ये कहा कि तुम सारे वीडियोस डालती हो, जो भी चीज़, तो मैं आपको एक परिवार का हिस्सा मानती हूँ। जो चीज़ मेरे जीवन में हो रहा है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। जो खुशी है, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो सब। और बड़ी हो जाऊँगी जब, तो ये सारे वीडियोस देखकर मुझे एक खुशी मिलेगी कि मैं बचपन में इतनी सारी चीज़ें आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जिससे आप देख के खुश भी रहते हो, साथ ही साथ कमेंट्स भी करते हो। बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कैसा भी कमेंट्स हो, बहुत अच्छा लगता है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इन सब वीडियोस को देखकर कि हाँ, मैंने एक दिन टूथब्रश का ये वीडियो बनाया था, साथ में अपने डॉल्स के ये वीडियो बनाए थे, वेडिंग वीडियो बनाए थे, अपने डॉल्स की प्री वेडिंग वीडियोस बनाए थे, जिसे आप देख के बहुत खुश थे। ये सारे वीडियोस सिर्फ आपके लिए हैं, मैं आपके लिए अपना समय हल्का निकालती हूँ, उसके बाद जैसा वीडियो होता है वैसा बना देती हूँ। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, रात में मिलता है तो उस वक्त मैं किसी क्रीम के इन्फॉर्मेशन के मूड में नहीं रहती, इसलिए इस तरीके के फ़नी टॉपिक्स लेकर आती हूँ और बना देती हूँ। और आप लोग उसे पसंद भी करते हैं, इसके लिए थैंक यू। इतना आप मुझे प्यार दे रहे हो, मेरे चैनल को इतना पसंद कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू।